हेलो बच्चों, नमस्कार। आज जो कल की क्लास हमने पढ़ी थी उससे आगे का टॉपिक करवाएंगे। तो कल के बारे में एक क्वेश्चन था कि एम्पियर मीटर किस में जुड़ता है, तो आपको बताया था एमीटर या एम्पियर मीटर किस में जुड़ता है, तो आपको बताया गया था सीरीज में। इसी प्रकार से वोल्ट मीटर का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई, वोल्ट मीटर का किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लीस्ट होता है। फिर आपको 1 एम्पियर को डिफाइन कराया गया था, 1 कूलम्ब को डिफाइन कराया गया था, 1 पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कराया था। तो आपको बताया था 1 एम्पियर को, तो फॉर्मूला था I इजिकल टू क्यू बाई टी। तो क्या बताया था, 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे तो चार्ज के सेट कूलम्ब, टाइम के सेकंड, द करंट इज सेट टू बी ऑफ ए 1 एम्पियर इफ 1 कूलम्ब मूव इन ए 1 सेकंड। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 1 कूलम्ब को डिफाइन करेंगे, तो क्या बताया था, चार्ज इज सेट टू बी ऑफ ए 1 कूलम्ब इफ दे एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ 9×10⁻⁹ एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब 1 मीटर के बीच की दूरी हो और वो एक दूसरे पे कितने का फोर्स लगाए, 9×10⁹ का। इसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बताया था डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि जूल अपॉन में कूलम, यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट टू बी ऑफ 1 वोल्ट इफ 1 जूल इज वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था। आज हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ओम्स लॉ, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे तो जो वी है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, कल लास्ट क्लास में बताया था वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है किसके, करंट के। यानी कि जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाओगे उतना ही ज्यादा करंट बनता चले जाएगा। जैसे कि हम बात करें कि शुरू में हमारे पास एक 1.5 वोल्ट का सेल है, तो वो इलेक्ट्रॉन बढ़ाए को अपनी तरफ मूवमेंट करवाएगा, मूवमेंट करने से करंट बिल्कुल लिस्ट बनेगा। इसी प्रकार से बड़ा सेल लोग 1.5 की जगह 3 का करोगे, 7 का करोगे, इस प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते 220 वोल्टेज का जो आपके घर में आ रही है, हमारे घर में कितनी लाइट आ रही है, 220 वोल्टेज की आ रही है भाई, 220 वोल्टेज की आ रही है। अगर इतना वोल्टेज बढ़ाओगे, यानी कितनी पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, तो क्या होगा, और ज्यादा करंट बनेगा। क्लियर होगी बात। तो यहां से हम कह सकते हैं जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, आई, और इसको हटाने के लिए क्या आ जाएगा, आर। आर क्या है, तो आर इज नोन एज रेजिस्टेंस, आर इज नोन एज रेजिस्टेंस। आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल which oppose the flow of a current, जो कि इसको रोकेगा, करंट के फ्लो को रोकेगा। या करंट किससे बढ़ रहा था, चार्ज के मूवमेंट से, तो हम ये भी कह सकते हैं करंट की जगह चार्ज, which oppose the flow of a charge, या which oppose the flow of a current, इसको called resistance। तो आपको पता लग गया होगा resistance क्या होता है, जो करंट के फ्लो को रोके। अगर मैं बात करूँ चार्ज रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट, तो वो होती है भाई ओम। क्या होती है भाई, ओम होती है भाई। रेजिस्टेंस कैसे रेट क्या होती है, ओम। इसका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आर इस तरह का, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में इसका सिंबल इस तरीके का होता है भाई, ये आर का सिंबल ही है। और इसका जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। और इसका ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार का है, ओम का सिंबल आपको दिख गया ओम का। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन करो 1 ओम को, क्या बोलेगा आपको, डिफाइन करो भाई 1 ओम को, तो कैसे डिफाइन करोगे, तो यहां से आपको क्या करना है, 1 ओम को डिफाइन कैसे करोगे, तो यहां से कर सकते हो भाई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई, V by I। अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में V by I। तो अब इसकी वोल्ट थी और करंट कितने का है, करंट कैसे एम्पियर, और रेजिस्टेंस की 1 ओम, यानी कि सेट टू बी, रेजिस्टेंस इज सेट टू बी ऑफ 1 ओम, रेजिस्टेंस इज सेट टू बी ऑफ 1 ओम। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होना चाहिए सर्किट में, 1 वोल्ट का, एंड करंट उस सर्किट में से पास हो रहा हो कितने का, 1 एम्पियर का, तो हम रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे, 1 ओम। कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज सेट टू बी ऑफ 1 ओम, 1 ओम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ 1 वोल्ट एंड करंट पासिंग थ्रू इस सर्किट इज 1 एम्पियर। यानी कि किसी भी सर्किट में, अगर किसी भी सर्किट की बात करूं मैं, सर्किट रेजिस्टेंस का, और इसके अंदर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं कितने का, 1 वोल्ट का, और इसमें से कितने करंट जा रहा है, 1 एम्पियर का, तो हम कहेंगे जो सर्किट है इसके अंदर रेजिस्टेंस कितने का है, तो आंसर है 1 ओम का है। तो इस प्रकार से हमने डिफाइन 1 ओम को क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस किस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है भाई, रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी कि अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात ये पता लग गई कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या करा, एक मीटर का तार लिया, कितने का लिया, 1 मीटर का, और उसका रेजिस्टेंस है मान लो 10 ओम, कितने का है, 10 ओम। उसी टाइप के मटेरियल का आपने 2 मीटर का वायर लिया तो कितना रेजिस्टेंस आएगा, तो आंसर 20 ओम आएगा। कितने का आएगा, 20, क्योंकि 1 मीटर में कितना है, 10, तो 2 का कितना हो गया, 20, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस
बढ़ेगा लेंथ के साथ साथ, जितनी जिस रेशियो में आपकी लेंथ बढ़ रही है उसी रेशियो में आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, क्या बताया, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा और एरिया को आप हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर हम इक्वेशन को देखें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट हमें क्या मिलेगा, तो आंसर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई, अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं इक्वेशन वन और टू को तो क्या मिला, लेंथ बाई एरिया। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं आर रो जाएगा एल बाई ए, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है इसको तो क्या लगाना है, रो लगाना है। रो इज नोन एज, दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी में, क्या होता है रेजिस्टिविटी, क्या होती है रेजिस्टिविटी। R is directly proportional to L, inversely proportional to area, मतलब लेंथ के सीधे अनुपात में एरिया के उल्टे अनुपात में। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन वन एंड टू से हमें क्या मिला, R directly proportional to L by A, दोनों को कंबाइन करा, इसको हटाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा, ये सिंबल आया, इसका नाम दिया गया रेजिस्टिविटी। अब इसको भी डिफाइन करेंगे, पहले हम ये पूछ रहे थे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हमने बताया एक नंबर एक पे क्या था, लेंथ, दूसरा क्या बताया एरिया, तीसरा और सुन लो भाई, तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, क्या है नेचर ऑफ मटेरियल भाई, यानी कि अगर आपको जिस प्रकार का मेटर लेना है, जिस प्रकार का मटेरियल लेना है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि आप अलॉय लोगे उनका रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, या प्योर मेटल लोगे उनका रेजिस्टेंस थोड़ा कम मिलेगा, या और दूसरे टाइप का मटेरियल लोगे तो उसका रेजिस्टेंस अलग मिलेगा। सभी मटेरियल का अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, तो हम कह सकते हैं अलग अलग मटेरियल में अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। या फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो आंसर है टेम्परेचर, किस पे टेम्परेचर, तो इन चार चीजों पर डिपेंड करता है, क्या बताया नंबर एक लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा नेचुरल मटेरियल और चौथा टेम्परेचर। क्लियर हो गई होगी सभी को। अगर हम बात करें यहाँ पे, हाँ एक चीज और बताता हूँ, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा, ये ध्यान रखना भाई। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। अगर मैं यहां से हमने फॉर्मूला पढ़ा आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, आर रेजिस्टेंस, एल लेंथ, ए एरिया, रो रेजिस्टिविटी। अगर मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखो आर तो है इधर, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। क्लियर हो गई। तो हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है देखो, तो अगर मैं कहूं कि एरिया वन है, अगर एरिया को मैं वन मान लूं, लेंथ को मैं वन मान लूं, एरिया को क्या मान ले, वन मीटर स्क्वेयर मान ले, लेंथ को वन मीटर मान ले, तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस की। तो आपसे डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, डिफाइन रेजिस्टिविटी, क्या बोलेगा पेपर में, डिफाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी, डिफाइन रेजिस्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो क्या बोलोगे, द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, क्या बताया, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिटी, इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिटी, यानी कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन है तो आपका जो रेजिस्टिविटी किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। तो इस प्रकार से रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्लियर होगी। दोबारा देख लो, एरिया को क्या मानना है, वन मीटर स्क्वेयर मान लेंगे, लेंथ को वन मीटर, अगर दोनों को वन वन मान लो तो क्या बच जाएगा, ये इसके इक्वल ही आएगा। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिटी। तो यहां से रेजिस्टिविटी की आपकी डेफिनेशन कवर होती है। अगर रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट की बात करें, देखो रेजिस्टेंस की बताई थी हमने ओम, रेजिस्टिविटी की बात करें रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला बताया था, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में लेंथ भाई। तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट अभी बताई थी क्या है, ओम, और एरिया की क्या थी, मीटर स्क्वेयर, और लेंथ की भी क्या होती है, मीटर, तो कट गई, तो क्या बच गई, तो यानी कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कितनी है भाई, ओम मीटर। देखो रेजिस्टेंस की ओम और एरिया की आप सभी जानते हो, मीटर का स्क्वेयर और लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कट गई, क्या बच गई, ओम में मीटर, यानी कि रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है वो ओम मीटर होती है। क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं आगे के टॉपिक पे, अब बात कर रहे थे कि जैसे कि किस किस चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उसी प्रकार से हम बात करेंगे कि रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो भाई लेंथ, ये याद कर लेना, स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट है कि जो रेजिस्टिविटी होती है ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना ही एरिया पे डिपेंड करती है। क्या बताया, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे। क्लियर हो गई कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। फिर तो आंसर है जो लास्ट की दो चीजें बताई थी, क्या, नेचर ऑफ ए मटेरियल, क्या बताई थी, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो किस टाइप का है, और दूसरा बताया टेम्परेचर पे, दूसरा क्या बताया, टेम्परेचर पे, दो चीजों पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, चार चीजों पे, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। जबकि रेजिस्टिविटी दो चीजों पे, किस किस पे,
तो बताया आपको नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी लास्ट के दो चीजों पे और आपका जो रेजिस्टेंस है वो चार चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस बहुत है आज के लिए।